हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। पंजाबी किचन में आपका स्वागत है। सर्दी का मौसम है और शाम का टाइम है, लगभग 5:30 बज चुके हैं। इस टाइम हमारा और मेरा रोशदीप का मन कर रहा है कि हम कॉफ़ी बना के पिएं, क्योंकि हम सर्दी में ज़्यादातर कॉफ़ी ही पीते हैं। और कॉफ़ी अलग अलग तरीके से बनती है, जैसे कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, कैपेचिनो, डेलगोना, अलग अलग तरीके से सबका बनाने का ढंग अपना होता है। लेकिन आज हम आपको बिल्कुल सिंपल वे से कॉफ़ी बनाना सिखाएंगे कि घर में हम अगर हमें जल्दी कॉफ़ी पीनी है तो हम कैसे बना के पीते हैं। शायद आपको आती भी हो, लेकिन ये मेरा तरीका है, मैं अपने तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो उसके लिए ये देखिए, हम दो जने हैं इसलिए मैंने ये दूध लिया है, इतना दूध, लगभग आधे से थोड़ा कम ही है, आधा केजी से। और नेस्कैफे की कॉफ़ी यूज़ कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास ब्रू है तो आप ब्रू भी डाल सकते हो। तो ये मेरा उबाली वाला दूध है, क्योंकि मैंने पहले इसको उबाली दे रखी थी। अब क्या करते हैं, ये देखिए मैंने गैस ऑन कर दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दूध है उसे गर्म होने देंगे। एक बार आप एक इस तरीके से ज़रूर बना के देखिए, तो देखिएगा कि आपको कॉफ़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। क्योंकि हम लोग, जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, पानी में कॉफ़ी बनाते हैं फिर उसमें दूध ऐड कर देते हैं, हम वैसे नहीं करते, हम दूध में ही कॉफ़ी बनाते हैं। और वो आज आपके सामने आपको बना के दिखाएंगे। सबसे पहले हम क्या है, ये दूध को गर्म होने देते हैं। ये देखिए हमारा जो दूध है वो गर्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मीठा डालेंगे। ये हमारा जो दूध है, हम दो जने के हिसाब से बना रही हूँ मैं, तो उसके हिसाब से मैं इसमें 3 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। ये देखिए, 1 और ये 2 और ये 3। बिल्कुल सिंपल, इजी और जल्दी बनने वाली कॉफ़ी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है पीने में। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने इसमें 3 स्पून चीनी डाल दी है। अब मैं इसमें, ये देखिए, ये 1 और ये देखिए 1.5 1.5 चम्मच मैंने इसमें कॉफ़ी मिलाई है। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन मैं जैसे हम पीते हैं मीडियम साइज़ की, मैं वैसे ही बना रही हूँ। ये पीने में, अगर आप इतनी क्वांटिटी में डाल के देखिए कि आपकी कॉफ़ी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनती है, फिर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कॉफ़ी कैसी लगी। एक बारी अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए, अब हम पहले इसको दूध को उबाली आने देते हैं। ये देखिए हमारी जो कॉफ़ी है उसे उबाल आने वाला है। जो मैंने आपको पहले बताया था कि इसी बर्तन में मैंने दूध को उबाली दी थी, इसलिए वो थोड़ा सा गर्म होके थोड़ा सा एक साइड से वो हो गया है, लेकिन उसका इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये देखिए अब हमारी कॉफ़ी को उबाल आ रहा है, हम पहले इसको ऊपर तक आने देंगे। ये देखिए आपको इसको पूरा ऊपर तक बॉयल करना है पहले। ये आ गया इसको उबाल। अब हम गैस का फ्लेम कर देंगे स्लो। अब हम लगभग आधे मिनट के लिए इसको थोड़ा सा बॉयल करेंगे। ये देखिए हमारी जो कॉफ़ी है उसे आधा मिनट हो गया है ऐसे ही बॉयल होते हैं। अब गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम आपको इसको कप में डाल के दिखाते हैं। ये देखिए हमने इस बड़े बर्तन में डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको झाग वाली कॉफ़ी बनाएंगे। और उसके बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए हमने 2 बर्तन ले लिए हैं और दोनों को एक दूसरे में उल्ट पलट कर रहे हैं। ऐसे जो आपकी कॉफ़ी है बहुत ही झाग वाली बनके रेडी होगी। ये देखिए आपको भी ऐसे ही करना है, 2 बर्तन ले लेने हैं। और अगर आपको झाग वाला कोई पसंद है, ये एक तरह का शौक ही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे इसको झाग बनानी है। अगर आपको झाग वाली पसंद है तो आप ऐसे बना सकते हो, किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाथ से ही ऐसे करके आप एक झाग वाली कॉफ़ी बना के रेडी कर सकते हो। ये देखिए अब हम इसको कप में डाल रहे हैं। ये देखिए आपको दिख ही रहा होगा कितनी झाग बन के इस पर रेडी हो चुकी है। अब हम इसको दूसरे कप में डालेंगे। ये देखिए हमारी बिल्कुल जल्दी, इजी और सिंपल तरीके से बनने वाली झाग वाली कॉफ़ी बनके रेडी हो चुकी है। ये देखिए आप देख सकते हो इसकी झाग भी आपको दिखाई दे रही है। हमने इसमें कुछ भी नहीं करा, बिल्कुल सिंपल वे से बनाई है। अब हम इस पर थोड़ा सा कोका पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, स्किप भी कर सकते हो आप, ये ओनली फॉर टेस्ट के लिए है। ये देखिए हमारी इजी एंड सिंपल कॉफ़ी बनके रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये इंस्टेंट कॉफ़ी, इसे कह सकते हैं कि जब भी आपका मन करे तब भी आप बना के पी लें, कोई
उसको बनाने का, या पहले उसका प्रोसेस होता है जो कॉफ़ी का मेल्ट करने का, वो उसकी करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मन करे तब भी बना के आप पी सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे पंजाबी किचन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये इंस्टेंट कॉफ़ी की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।